Hello everyone, this is Pragya Pandey from Rouse Academy for Competitive Exams Bhopal, and this is our special series on daily news review. In our previous video, I have asked few questions, so let's see their solution first. So the first question was, which day is observed on 17th of November? And correct answer for this question is World Philosophy Day as well as International Students Day. So aapka sahi answer ho jayega option C, both. Next question was, Tsangso Lake is situated at. तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लद्दाख. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज इन द न्यूज. सो दिस पर्टिकुलर न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू लिस्ट प्ली फॉर कोलेजियम सिस्टम रिव्यू. देखिए हुआ क्या है, एक पिटीशन फाइल की गई थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट एग्री हो गया है कि वो इस प्ली को सुनेगा कि क्या कोलेजियम सिस्टम को रिव्यू करने की आवश्यकता है या नहीं. देखिए ये पिटीशन साथ में यहाँ क्या बोल रही है कि NJAC को रिवाइव करना चाहिए. NJAC इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको हालांकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, जिसे हम बाद में समझेंगे. तो इससे रिवाइव करने की ज़रूरत है. लेकिन क्यों? देखिए कोलेजियम सिस्टम पर लगातार ना प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि ये नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का गढ़ बन चुका है. इसी को किरण रिजिजू जी, जो कि हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला कि दुनिया में कहीं भी इंडिया के अलावा ये प्रैक्टिस फॉलो नहीं होती, जहां जजेस ही अपने दूसरे जजेस को अपॉइंट करते हैं, जो कहीं ना कहीं नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म को जन्म देता है. चलिए तो ये तो था न्यूज़ की बात, अब देख लेते हैं कि आखिर केस क्या है. तो जिस NJAC के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसके पहले आपको कोलेजियम सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है. हालांकि हम कोलेजियम सिस्टम को कई बार पहले भी कवर कर चुके हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं rouseacademy.in, साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं. 12th अगस्त 2022 में कोलेजियम सिस्टम को बहुत ब्रीफली हमने डिस्कस किया था. चलिए तो समझ लेते हैं पहले कोलेजियम सिस्टम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक रफ आइडिया लेंगे क्योंकि हम इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं. तो देखिए सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124 आप सबको पता है, विच टॉक्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, अब देखिए 1950 से लेके अगर हम 1973 तक की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या था, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अप टू 1973 द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड रिमेनिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद द CJI एंड अदर जजेस एज ही डीम्ड नेसेसरी. ठीक है, अब यहाँ पर एक क्लॉज ऐड कर दिया गया कि भाई सुप्रीमेसी को ध्यान रखा जाएगा. ठीक है, कि एक कन्वेंशन फॉर्म किया गया था जिसमें सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप याद रखिए. अब हुआ क्या, 1973 का टाइम पीरियड वो था जब 1973 में A.N. Ray, ठीक है, मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ ये समझना ज़रूरी है. A.N. Ray ने 3 सीनियर मोस्ट जजेस को सरप्राइज करते हुए वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने. ठीक है, पहला इशू. दूसरा आया 1977, जहां MU Baig, जो कि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश को हटाकर भारत के न्यायाधीश बने, इन सब के वजह से एक इशू क्रिएट हुआ जिसे हम बोलते हैं सीरीज. ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम का एक सीरीज है जिसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए तो अब प्रश्न आया कंसल्टेशन क्या था. देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या बोला कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो भी रिमेनिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के उन्हें अपॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद द CJI एंड अदर जजेस एज ही डीम्ड नेसेसरी. तो पॉइंट यहाँ पर ही आ जाता है, तो ये कंसल्टेशन वर्ड क्या है ना. तो इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट जजेस केस 1982 यहाँ पर आया, जिसको हम SP Gupta केस भी बोलते हैं. यहाँ पर कंसल्टेशन वर्ड को क्लियर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, मतलब जो CJI का सजेशन है उसको रिजेक्ट भी कर सकता है प्रेसिडेंट. ठीक है, मतलब बाध्य नहीं है, मानना ज़रूरी नहीं है. दूसरा, इसीलिए हमारे पास एक केस आ जाता है विच इज़ 1993, जिसे हम बोलते हैं सेकेंड जजेस केस या फिर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन. ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले डिसीजन को ओवर रूल किया वर्डिक्ट को, और इन्होंने बोला कि कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस, और बोल दिया कि यहाँ पर CJI की पर्सनल राय अकेली नहीं चलेगी, यहाँ पर
सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट जजेस भी आ जाएंगे अलोंग विद द सीजीआई। तो यहाँ पर पहली बार हमें कोलेजियम देखने के लिए मिलता है जहाँ पर 2+1 की बात की गई। थर्ड आ जाता है विच इज़ द थर्ड जजेस केस 1998, और यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया कि चार सीनियर मोस्ट जजेस अलोंग विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे रिकमेंडेशन या फिर ट्रांसफ़र के बारे में, वेदर इट इज़ अबाउट द सुप्रीम कोर्ट जजेस, अबाउट द हाई कोर्ट जजेस और ट्रांसफ़र ऑफ द हाई कोर्ट जजेस। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, 1982 जहाँ पे क्या बोल दिया गया था, कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, ठीक है। दूसरा आ जाएगा 1993 जहाँ पे बोल दिया येस कंसल्टेशन मीन्स कॉन्करेंस और 2+1 हमें यहाँ दिखेगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 1998 जहाँ पर 4+1 का प्रेजेंट फॉर्मूला हमारे सामने आया। देखिए अब हुआ क्या, ये जो कोलेजियम सिस्टम है ये लगातार क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है, ठीक है। बोला ये जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। उसी का रिजल्ट था कि 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया 2014 में, जिसने इंसर्ट किया आर्टिकल 124A। इसने क्या बोला कि NJAC को अपॉइंट किया जाएगा विच इज़ नेशनल जुडिशियल कमीशन, ठीक है। ये क्या करेगी, ये बॉडी डिसाइड करेगी कि भाई अपॉइंटमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल रहेगी अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफ़र ऑफ द जजेस टू द हायर जुडिशरी इन इंडिया। साथ ही इसने बोला कि ये जो NJAC है ये कंपोज किस किस को करेगी, पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि चेयरपर्सन रहेंगे इसके, ठीक है। दूसरा टू अदर सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल राइट। थर्ड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड टू एमिनेंट पर्सन जिनको नॉमिनेट किया जाएगा बाय द कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा और वे। अब देखिए ये मिक्स है, जो बात की जा रही है ना कि भाई गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है, पार्लियामेंट या गवर्नमेंट के पास यहाँ पर कोई भी पावर नहीं है। देखिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, द पिटीशन सॉट दैट द रिवाइवल ऑफ NJAC विच ब्रीफली गिव द गवर्नमेंट एन इक्वल रोल अलोंग विद द जुडिशरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बिफोर इट वॉज स्टक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन 2015। तो NJAC का जब फॉर्मेशन हुआ तो आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं NJAC इक्वल प्रोपोर्शनेट पावर दे रही है जुडिशरी एज वेल एज हमारे पार्लियामेंट को, ऑल राइट। अब हुआ क्या, October 16, 2015 सुप्रीम कोर्ट की जजेस बैठी जिसने 4:1 के रेशो से ये डिक्लेयर कर दिया कि जो कोलेजियम सिस्टम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और साथ ही 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 को रिपील कर दिया गया। ओके, तो ये तो था पूरा आर्टिकल के बारे में। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कोलेजियम सिस्टम के फेवर में आप मुझे 5 पॉइंट्स बताइए, और कोलेजियम सिस्टम क्यों अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए, ये भी आप 5 पॉइंट्स में बता सकते हैं। देखिए आप जिस जैसे आंसर्स लिखेंगे वैसे ही आप ब्रॉड लेवल में सोच पाएंगे कि और क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगे। तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या प्रॉज हो सकते हैं कोलेजियम सिस्टम के और क्या कॉन्स हो सकते हैं। ऑल राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पर बात कर रहा है राइनो के जो हॉर्स हैं, ठीक है, राइनो जैसे आप गेंडा भी बोलते हैं, इनके जो हॉर्न्स हैं इनकी लीगल जो ट्रैफिकिंग है वो कैसे बढ़ती जा रही है। देखिए एक रिपोर्ट रिलीज हुई है यहाँ पर जिसने ये बताया, सबसे पहले रिपोर्ट का नाम जान लीजिए क्या है, विच इज़ अ ग्लोबल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट विच वॉज प्रेजेंटेड एट अ कन्वेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एजेंसी इन पनामा सिटी। इन्होंने क्या बोला है, डजेंट मैटर 2017 में भले ही पोचिंग जो है वो रिड्यूस हुई है, बट जो ट्रैफिकिंग है, इलीगल ट्रैफिकिंग है राइनोस के हॉर्न्स की, सींग की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मोर देन 7.5 टन्स ऑफ राइनोस हॉर्न्स वर सीज्ड ग्लोबली ड्यूरिंग द डिकेड, ठीक है। अब आप देखिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी का रिजल्ट था अगर आपको रिसेंटली याद हो कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है इन्होंने क्या करा था, 2479
हॉर्न्स को यहाँ पर इन्होंने जला दिया था लोगों को ये बताने के लिए कि भाई आप इनकी जो पोचिंग और इलीगली तरीके से इनकी ट्रैफिकिंग कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मिसकंसेप्शन है कि इनके कुछ मेडिसिनल पर्पसेस हैं या इनका कुछ मेडिसिनल यूज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों को बताने के लिए ही इन राइनोस के हॉर्न्स को जला दिया गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। देखिए साथ में ये रिपोर्ट ये भी बता रही है वियतनामीज और चाइनीज क्रिमिनल नेटवर्क है जो इस पूरे ट्रैफिकिंग को, राइनोस के हॉर्न्स की ट्रैफिकिंग को इलीगली ग्लोबली चला रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा एक शॉकिंग यहाँ पर ये था, एक अलार्मिंग सिचुएशन ये यहाँ पर सामने आई है आइडेंटिफाइड, कि ये जो पोचिंग है या इनकी जो ट्रैफिकिंग की जा रही है हॉर्न्स की, ये बिल्कुल खुले बाजार में हो रही है, धड़ल्ले से इनकी ट्रैफिकिंग की जा रही है विदाउट इवन दिस कंसर्न कि भाई कोई अथॉरिटी है जो आपके ऊपर क्लोज वॉच रखी हुई है या देखेगी, जिससे ये पता चलता है कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि कुछ करप्ट एलिमेंट्स भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं जो इस ट्रैफिकिंग या इस पूरे बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है। इसी के साथ रिपोर्ट ने एक और खुलासा किया है कि जो 6 कंट्रीज हैं और टेरिटरीज हैं ये डोमिनेट करती हैं इस ट्रैफिकिंग को। ये कंट्रीज़ कौन कौन सी हो जाती हैं? साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मलेशिया, हांगकांग, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन एंड वियतनाम एंड चाइना। ठीक है, तो ये ग्लोबली जो पूरा नेटवर्किंग चल रही है राइनोस की इलीगल हॉर्न्स के ट्रैफिकिंग की, उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ये 6 कंट्रीज़ हैं। चलिए तो इस रिपोर्ट से हम एग्जामिनेशन के लिए क्या याद रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए राइनोस कितने टाइप के होते हैं। तो अगर ऑन एन एवरेज हम बात करते हैं तो 5 प्रकार के राइनोस हमारे पास होते हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, वाइट और ब्लैक आपको अफ्रीका में मिल जाते हैं, देन द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो जो कि आपको इंडिया में देखने मिलता है, जावन एंड सुमात्रन राइनोज इन एशिया। ठीक है, IUCN के स्टेटस के बारे में यहाँ पर बात करें तो इनको रेड लिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस सेक्शन ब्रीफली इन आर 22nd सेप्टेम्बर्स न्यूज़, तो आप 22nd सेप्टेम्बर के हमारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ब्लैक राइनो की, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं। ठीक है, अफ्रीकन स्पीशी है ये। वाइट राइनोस की बात करते हैं तो ये नियरली थ्रेटन कैटेगरी में है, साथ ही IVF विच इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इन वाइट राइनोस के ऊपर किया जा रहा है ताकि इनके एम्ब्रियोस को डेवलप किया जा सके। उसी के अलावा वन हॉर्न राइनो विच इज़ इन वल्नरेबल कैटेगरी, जो कि कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। अदर देन दैट जावन राइनोज एंड सुमात्रन राइनोज आर इन क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी। इम्पॉर्टेंट क्या है आपके लिए? वन हॉर्न राइनो के बारे में पढ़ना, इसका IUCN स्टेटस क्या है, इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं या इनकी फूड हैबिट्स क्या हैं, और इंडिया में मेजरली हमें ये कहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। एट COP27 इंडिया अपोजेस ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब देखिए हो क्या रहा है, आप सभी को पता है इजिप्ट में हमारा COP27 चल रहा है। यहाँ इंडिया ने क्या करा है, इंडिया ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया गया था, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया गया है। अब समझ लेते हैं कि आखिर हुआ क्या। इंडिया ने यहाँ पर क्या बोला है कि ये जो डेवलप्ड नेशन है ये अपनी लाइफस्टाइल को बदलना नहीं चाहते, ना ये लाइफस्टाइल बदल रहे हैं, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर हम कार्बन इमिशन को रिड्यूस करने की भी बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। रादर व्हाट दिस डेवलप्ड नेशन आर डूइंग, ये अल्टरनेटिव सोर्सेज की तलाश करते हैं, दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं या वहाँ पर कार्बन इमिशन को या फिर एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने जैसी कुछ सिचुएशन करते हैं। तो क्या ज़रूरी है, इंडिया ने यहाँ पर बहुत क्लियरली बोल दिया है कि वर्ल्ड क्लाइमेट क्राइसिस को फेस कर रहा है, बिकॉज जो इतिहास में इन डेवलप्ड नेशन ने एक्सेसिव तरीके से अपनी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन करना या बहुत सारे रिसोर्सेज का दोहन करना, उन्हें ख़त्म करना, तो उसकी वजह से ये जो इमिशन है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज जो इतिहास में सिचुएशन हुई है।
साथ ही जो इंडियन डेलीगेशन है उन्होंने ये कंसर्न भी यहाँ पर जताया है कि अगर इस तरीके की सिचुएशन चलती रही तो जो बहुत बेसिक चीज़ होती है फूड सिक्योरिटी जो वर्ल्ड में होनी चाहिए लोगों के पास होनी चाहिए वो भी यहाँ पे ख़त्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ दिस इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ फॉरेन कंट्रीज विच इज़ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेवलप्ड नेशन. So this news here is talking about where Sri Lankan Navy arrest 14 fishermen from Tamil Nadu, Karaikal. ये हुआ क्या है? 14 fishermen हैं जो कि Karaikal, Nagapattinam और Pudukkottai district से थे. इनको Sri Lankan Navy ने यहाँ पर arrest कर लिया है. ठीक है? इन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा international maritime boundary line है, ये उसके पास इनको पकड़ा गया है. अब इस पूरी न्यूज़ में मुद्दा क्या है? यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन, यहाँ पर इन्होंने कंसर्न जताया है कि जो फिश जो मछुआरे हैं ये उनका ट्रेडिशनल राइट है कि वो भाई जाएंगे और क्या करेंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे. लेकिन बार बार श्रीलंका नेवी क्या करती है, इनको पकड़ लेती है, इनकी बोट्स को सीज कर लेती है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं. ठीक है, अब मुद्दा यहाँ पर क्या आ जाता है, हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है, विच इज़ मैरिटाइम जोन. चलिए, तो आपको इमेज यहाँ पर दिख पा रही हो, इस इमेज के रेफरेंस से हम इसे इस तरीके से समझते हैं. दिस इज़ आर लैंड. ठीक है, ये हमारा बेस लाइन है. हम क्या बोल रहे हैं कि द जोन इनसाइड द बेस लाइन, ठीक है, इसके अंदर का जो एरिया है ये क्या होगा, हमारा इनलैंड वाटर. अब इस बेस लाइन से लेकर 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो वाटर होगा विच विल बी नोन एज टेरिटोरियल सी. इस 12 नॉटिकल माइल से लेके अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक जो पानी होगा फ्रॉम द बेस लाइन इट इज़ नोन एज कंटीजियस जोन. ठीक है, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. तो ये क्या है, बेस लाइन से लेके 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया क्या बोला जाएगा, आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. अभी हम इसको समझेंगे कि इन तीनों या चारों कंडीशन में क्या बेनिफिट होते हैं किसी भी कंट्री के पास. बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है, व्हेन द स्पेस बिटवीन टू कंट्रीज इज लेस देन 400 नॉटिकल माइल्स ओनली, तब आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरा आपसे एक सवाल है. आपको मुझे बताना है माता नी पचड़ी, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में था, माता नी पचड़ी ये एक ट्रेडिशनल टेक्सटाइल पीस है, इसको कौन सी कम्युनिटी बनाती है और इसे कहाँ पर बनाया जाता है. सेकंड क्वेश्चन जिसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है, निपुण भारत क्या है. ठीक है, मैंने आपसे दो सवाल यहाँ पर पूछे हैं, ये आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. फर्स्ट इज़ माता नी पचड़ी, सेकेंड इज़ निपुण भारत, ये क्या है इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. सो दिस न्यूज़ इज़ टॉकिंग अबाउट कि इतिहास में पहली बार 6 वुमेन आर्मी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स विच इज़ DSSC एंड डिफेंस सर्विसेज टेक्निकल स्टाफ कोर्स के एग्ज़ाम को यहाँ पर क्वालिफाई किया है. ठीक है, तो इन 6 में से जिन वुमेन्स ऑफिसर ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, इनमें से 4 अपने मेल काउंटर पार्ट्स के साथ 1 साल का कोर्स करेंगी एट DSSC वेलिंगटन. ठीक है, अब ये डिसीजन कब आया, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इक्वल वेटेज मिलना चाहिए, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन तीनों, चाहे हम इंडियन नेवी की बात करें, आर्मी की बात करें या एयरफोर्स की बात करें, वहाँ पर इनको परमानेंट कमीशन के पोस्ट पर रखा जाना चाहिए, एक्सेप्ट यहाँ पर एक सिचुएशन आती है अदर देन दी कॉम्बैट. ऑलराइट, सो ये इस आर्टिकल में सिर्फ इतना ही था. चलिए, सो इट्स टाइम फॉर करंट ओरिएंटेड वन लाइनर्स एंड फर्स्ट न्यूज इज दी नो मनी फॉर टेरर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग विल बी हेल्ड ऑन 18th to 19th November इन न्यू दिल्ली. नेक्स्ट इज नेशनल नेचुरोपैथी डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया एवरी ईयर ऑन नवंबर 18th टू प्रमोट पॉजिटिव मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ थ्रू ड्रग फ्री थेरेपी. नेक्स्ट, टेक ईगल कंपनी हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट ड्रोन बेस्ड व्हीकल फॉर वैक्सीन डिलीवरी एनिमल केयर इन अरुणाचल प्रदेश. द उत्तराखंड हाई कोर्ट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम नैनीताल टू हल्द्वानी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड कीप दिस थिंग इन माइंड.
Last in the cool section is 47th International Convention on Quality Control Circle, which is being held from 15 to 18 November in Jakarta. And the theme for ICQCC 2022 was Build Back Better Through Quality Efforts. So it's a quiz time, and first question is, world's first drone-based vehicle for vaccine delivery of animal care was started in which state? Next, in which year 99th Constitutional Amendment Act came into force? So you all know the drill. Aapko correct answer hame comment section mein batana hai aur options aapki screen par hai. And if you want to give wings to your preparation, join our batches for UPSC, MPPSC, Civil Services examination. We have entirely dedicated team for both UPSC and MPPSC. Thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any update. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.